हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास सेवन्थ का त्रयोदश पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए त्रयोदश पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर एक में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत, इसका मतलब होता है उच्चारण करो। हमें ये पद दिए गए हैं, इन पदों का हमें उच्चारण करना है। आप लोग इसको ध्यान से सुनना और समझना। उपलब्धासु, संगणकस्य, चिकित्सा शास्त्रम, वैशिष्ट्यम, भूगोल शास्त्रम, वांग्मय, विद्यमानः, अर्थशास्त्रम। ठीक है, हमें प्रश्न नंबर एक में इन पदों का उच्चारण करना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दो में देखिए, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, इसका मतलब होता है प्रश्नों के एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनका एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमें क में दिया गया है का भाषा प्राचीनतमा, इसका मतलब होता है कौन सी भाषा सबसे पुरानी है। कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। ठीक, अब ख में देखिए, शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत, इसका मतलब होता है शून्य का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया शून्य का प्रतिपादन? आर्यभट्ट ने किया। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। ठीक है, अब ग में देखिए, ग में हमें दिया गया है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, इसका मतलब होता है कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है। तो इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र अर्थशास्त्र है। ठीक, आया समझ में? अब घ में देखिए, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, इसका मतलब होता है किस भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। किस भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है? संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है ना। हम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ा था। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे संस्कृत भाषायाः, ठीक है, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। ठीक, आया समझ में? अब अंग में देखिए, कहा अभ्युदयाय प्रेरयंती, इसका मतलब होता है कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती है। कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती है? सुक्तिया उन्नति के लिए प्रेरित करती है। हम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ा था, है ना, अच्छी बातें उन्नति के लिए प्रेरित करती है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे सुक्तयः, ठीक है, सुक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती है। ठीक, आया समझ में? हमें प्रश्न नंबर दो में क्या करना था? एक पद में उत्तर लिखने थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर तीन देखिए। प्रश्न नंबर तीन में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य के द्वारा लिखिए। ठीक है, अब क में देखिए, क में हमें दिया गया है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, इसका मतलब होता है
कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। मतलब कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत भाषा है। ठीक है, अब ख में देखिए, संस्कृतस्य वाङ्मयम् कैः समृद्धम् अस्ति। इसका मतलब होता है संस्कृत का साहित्य किनके द्वारा संपन्न है? तो इसका उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। इसका मतलब होता है संस्कृत का साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। अब ग में देखिए, ग में हमें दिया गया है संस्कृतम किम शिक्षयति। इसका मतलब होता है संस्कृत क्या शिक्षा देती है? तो इसका उत्तर है संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। इसका मतलब होता है संस्कृत सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। ठीक है, अब घ में देखिए, अस्माभिः संस्कृतम् किमर्थम् पठनीयम्। इसका मतलब होता है हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? तो इसका उत्तर है अस्माभिः संस्कृतम् मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारार्थम पठनीयम्। इसका मतलब होता है हमारे द्वारा संस्कृत मनुष्य के और समाज के सुधार के लिए पढ़नी चाहिए। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या करना था, एक वाक्य में उत्तर लिखने थे। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। इसका मतलब होता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें ये जितने भी शब्द दिए गए हैं, गति मति बुद्धि प्रीति नीति शांति प्रकृति कीर्ति गीति सुक्ति कृति धृति भीति, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और इनके अंत में ई वर्ण आ रहा है, मतलब कि इनके अंत में छोटी ई का उच्चारण हो रहा है, इसी कारण से ये इकारांत है, मतलब कि ये सब इकारांत स्त्रीलिंग है। और हमें प्रश्न में दिया गया है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें प्रथमा से लेकर संबोधन तक विभक्ति देकर रखी है और हमें इनका एक एक उदाहरण देकर रखा है। ठीक है, हमें इन उदाहरण के अनुसार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, अब देखो, गति प्रथमा विभक्ति एक वचन में गति ही, द्विवचन में गति और बहुवचन में गतयः देकर रखा है। ठीक है, ये पूरी लाइन एक वचन है, ये वाली लाइन द्विवचन है और ये वाली लाइन बहुवचन है। ठीक है, इसी के अनुसार मति की प्रथमा विभक्ति एक वचन मति ही, द्विवचन मति और बहुवचन मतयः बनेगी। ठीक है, बुद्धि की द्वितीय विभक्ति एक वचन बुद्धिम, द्विवचन बुद्धि और बहुवचन बुद्धि ही है। प्रीति की द्वितीय विभक्ति एक वचन प्रीतिम, द्विवचन प्रीति और बहुवचन प्रीति ही बनेगी। ठीक है, नीति तृतीय विभक्ति एक वचन नित्या, द्विवचन नीतिभ्याम, बहुवचन नीति भी ही है। इसी प्रकार शांति तृतीय विभक्ति एक वचन शांत्या, द्विवचन शांतिभ्याम और बहुवचन शांति भी ही बनेगी। ठीक है, मति चतुर्थी विभक्ति एक वचन मत्यय, मतये, द्विवचन मतिभ्याम, बहुवचन मतिभ्यः। इसी प्रकार प्रकृति चतुर्थी विभक्ति प्रकृतये, प्रकृतये, द्विवचन प्रकृतिभ्याम,
और बहुवचन प्रकृतिभ्यः बनेगी। ठीक है, कीर्ति पंचमी विभक्ति एक वचन कीर्तयः कीर्तेः, द्विवचन कीर्तिभ्याम, बहुवचन कीर्तिभ्यः। इसी प्रकार गीति पंचमी विभक्ति एक वचन गीत्याः गीतेः, द्विवचन गीतिभ्याम, बहुवचन गीतिभ्यः बनेगी। सुक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन सुक्तेः सुक्तयः, द्विवचन सुक्तयोः, बहुवचन सुक्तिनाम। इसी प्रकार कृति षष्ठी विभक्ति एक वचन कृतेः कृत्याः, द्विवचन कृत्योः और बहुवचन कृतिनाम बनेगी। धृति सप्तमी विभक्ति एक वचन धृतौ धृत्याम, द्विवचन धृत्योः, बहुवचन धृतिषु। इसी प्रकार भीति सप्तमी विभक्ति एक वचन भीतौ भित्याम, द्विवचन भित्योः और बहुवचन भीतिषु बनेगी। मति संबोधन एक वचन हे मते, द्विवचन हे मति, बहुवचन हे मतयः। ठीक, आया समझ में? हमें प्रश्न नंबर 4 में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, हमें इन सब के एक एक उदाहरण देकर रखे थे, हमें इन उदाहरण के अनुसार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक, आया समझ में आप सभी को? अब प्रश्न नंबर 5 में देखिए, प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है रेखांकित तानी पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमें जहां जहां पर अंडरलाइन दी गई है हमें उनका प्रश्न बनाना है। ठीक है, मतलब हमें उनका प्रश्न निर्माण करना है। अब देखो यहाँ पर हमें क में दिया गया है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। इसका मतलब होता है संस्कृत में अर्थात संस्कृत भाषा में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। अंडरलाइन निधि पर की गई है, निधि का मूल शब्द निधि है। ये इकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसके कवि जैसे शब्द रूप चलेंगे। तो अब हम किम पुल्लिंग शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति और एक वचन देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या देकर रखा है? कह देकर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? संस्कृतें ज्ञान विज्ञानयोः कह सुरक्षित अस्ति। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षित अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का क्या सुरक्षित है? हमने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक है, अब ख में देखिए, ख में हमें दिया गया है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसका मतलब होता है संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अंडरलाइन संगणकस्य पर की गई है, इसका मूल शब्द संगणक है, ये नपुंसकलिंग है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो हम क्या करेंगे? हम किम नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति और एक वचन देखेंगे। ठीक है, किम नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखा हुआ है कस्य। ठीक है, कस्य मतलब किसके। अब देखिए यहां पर संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा
भाषा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है। ठीक, अब ग में देखिए, शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। इसका मतलब होता है शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। अंडरलाइन संस्कृत साहित्य पर की गई है। ये सप्तमी विभक्ति और एकवचन है, तो हम क्या करेंगे कि पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन देखेंगे। ठीक है, किम पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखा हुआ है कस्मिन। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के रूप एक जैसे चलते हैं, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप अलग चलेंगे। ठीक है, अब हमें दिया गया है संस्कृत साहित्य, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो देखो सप्तमी विभक्ति एक वचन में दिया गया है कस्मिन। ठीक है, कस्मिन पुल्लिंग की सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब देखिए नपुंसकलिंग की सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी कस्मिन लिखा हुआ है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के रूप एक जैसे चलते हैं। ठीक, आया समझ में? अब देखिए शल्य क्रियायाः शल्य क्रियायाः वर्णनम् कस्मिन् अस्ति। शल्य क्रियायाः वर्णनम् कस्मिन् अस्ति, शल्य क्रिया का वर्णन किसमें है। ठीक, आया समझ में आप सभी को? अब नेक्स्ट घ में देखिए, वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। इसका मतलब होता है बड़े लोगों के प्रति हमारे द्वारा प्रिय अर्थात अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। अंडरलाइन वरिष्ठान पर की गई है। ये पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे किम पुल्लिंग शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति बहुवचन देखेंगे। ठीक है, किम पुल्लिंग शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखा हुआ है कान। ठीक है, तो हम लिखेंगे कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्, किन लोगों के प्रति हमारे द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक, आया समझ में? प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या करना था, जहां जहां पर अंडरलाइन की हुई थी हमें उनका प्रश्न निर्माण करना था। अब प्रश्न नंबर 6 में देखिए, प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनं च लिखत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। ठीक है, हमें ये पद दिए गए हैं, हमें इनकी विभक्ति और वचन लिखना है। ठीक है, हमें यथा दिया गया है संस्कृते है, इसकी विभक्ति षष्ठी है और ये एक वचन है। अब देखो हमें दिया गया है गति ही, गति ही का मूल शब्द गति है। ठीक है, गति ही का मूल शब्द गति है, ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। कैसे? देखो गति प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या लिखा हुआ है, गति ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो गति ही कौन सी विभक्ति भी, प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। ये इकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हमें दिया गया है नीतिम, नीतिम का मूल शब्द नीति है,
ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कैसे? देखो, अब बुद्धि की द्वितीय विभक्ति एक वचन बुद्धिम है, तो बुद्धि की जगह नीति रख दिया, तो नीति की द्वितीय विभक्ति एक वचन नीतिम बनेगी। ठीक है, तो नीतिम द्वितीय विभक्ति है और एक वचनम। नितिम इकारान स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखो सुक्तयः, सुक्तयः का मूल शब्द सुक्ति है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, और ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कैसे? देखो, गति की प्रथमा विभक्ति बहुवचन गतयः है, तो गति की जगह मैंने रख दिया सुक्ति। सुक्ति की प्रथमा विभक्ति बहुवचन सुक्तयः बनेगी। ठीक है, तो सुक्तयः कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। और बहुवचनम्, ठीक है, शांत्या, शांत्या का मूल शब्द शांति है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है, ये तृतीय विभक्ति और एक वचन है। कैसे? देखो, यहां पर शांति की तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या लिखा हुआ है? शांत्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो शांत्या कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय विभक्ति हुई। और एक वचनम, ठीक है। अब प्रत्यय, प्रत्यय का मूल शब्द प्रीति है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है, और कौन सी विभक्ति है? ये चतुर्थी विभक्ति है। देखो, मति की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मत्यय लिखा हुआ है, तो मति की जगह मैंने रख दिया प्रीति। प्रीति की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा? प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। और प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति है और एक वचनम है। अब लास्ट देखो, मतिषु, मतिषु का मूल शब्द मति है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो मतिषु कौन सी विभक्ति है? मतिषु सप्तमी विभक्ति है। कैसे? देखो, भीति की सप्तमी विभक्ति बहुवचन भीतिषु बना, यहां पर भीति की जगह मैंने मति रख दी, तो मति की सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? मतिषु बनेगा। ठीक, तो मतिषु कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। ठीक, आया समझ में? प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या करना था? उदाहरण के अनुसार हमें इन पदों के विभक्ति और वचन बताने थे। ठीक, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, इसका मतलब होता है यथा योग्य जोड़ी लिखिए, मतलब कि हमें इनकी सही जोड़ी बनानी है। ठीक है, अब हमें दिया गया है कौटिल्यन, तो इसकी जोड़ी बनेगी अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्यन अर्थशास्त्रम रचितम, इसका मतलब होता है कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना हुई। चिकित्सा शास्त्रे, इसकी जोड़ी बनेगी चरक शुश्रुतयोः योगदानम, चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतयोः योगदानम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और शुश्रुत का योगदान है। नेक्स्ट देखिए, शून्यस्य आविष्कर्ता, इसकी जोड़ी बनेगी आर्यभट्ट, शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्ट, इसका मतलब होता है शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। ठीक है, संस्कृतम, इसकी जोड़ी बनेगी ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, इसका मतलब होता है संस्कृत ज्ञान विज्ञान की पोषक है। ठीक है, लास्ट हमें दिया गया है सुक्तयः,
इसकी जोड़ी बनेगी अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सुक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इसका मतलब होता है सुक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती है। हमें प्रश्न नंबर 7 में दिया गया था यथा योग्य संयोज्य करके लिखना था, मतलब कि हमें इनकी सही जोड़ी बनानी थी। इस प्रकार त्रयोदश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।